तो देखो गाइस, वीडियो के अंदर व्यूज एंड लाइक दिखने से ही पता चलता है कि वीडियो कितना ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे कि ये वाला वीडियो आप लोग देख सकती हो, इस वीडियो के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स है। आप लोगों को मैं हर टाइम बोलते रहता हूँ कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाओ, ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने से गाइस वीडियो वायरल होता है। जैसे कि यहाँ पर से आप लोग तीनों वीडियो को देख सकते हो, तीनों वीडियो सेम तरीके से बना हुआ है और तीनों वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पर। तो ऐसी वीडियो को अगर आप लोग भी बनाओगे तो आपका भी वीडियो वायरल हो सकता है, इसलिए ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग भी ऐसी बाइक रील्स वीडियो को बना सकती हो, वो भी बहुत आसान तरीके से। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखो गाइस, ऐसी ट्रेंडिंग बाइक रील्स वीडियो को एडिट करने के लिए हम लोग जिस एप्लीकेशन को यूज करेंगे उस एप्लीकेशन का नाम है गाइस कैपकट। बाकी कैपकट एप्लीकेशन को यूज करने से पहले गाइस आप लोग जो है एक चीज कर लेना, किसी भी एक फ्री वीपीएन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लेना। तो आप लोगों को करना क्या है गाइस, सिंपली कैपकट एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है, देन न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करके जिस वाले वीडियो का आप लोग एडिट करना चाहती हो उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर लेना है। वीडियो को ऐड करने के बाद आप लोगों को यहाँ से ये तीनों चीजें कर लेना है। जैसे कि वीडियो के लास्ट में आ जाना है, यहाँ पर से आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन का वाटरमार्क मिलेगा, उसको आप लोगों को डिलीट कर देना है। ठीक इसी तरह से करने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, देन म्यूट वोल्यूशन पर टैप करके वीडियो का जो बैकग्राउंड साउंड है उसको म्यूट कर लेना है। ये दोनों चीजें कर लेने के बाद इधर से अभी आप लोगों को ऐड ऑडियो और एक्सट्रापोलेशन पर टैप करके जिस वाले म्यूजिक पर आप लोग वीडियो को एडिट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके ऐड कर लेना। तो देखो गाइस, हमारा जो म्यूजिक है यहाँ पर से ऐड हो चुका है। म्यूजिक को ऐड करने के बाद गाइस आप लोग ध्यान से देखो, वरना समझ ही नहीं पाओगे। तो करना क्या है गाइस, देखो ये है गाइस हमारा म्यूजिक एंड ये है गाइस हमारा वीडियो। आप लोगों को क्या करना है, म्यूजिक के ऊपर टैप करना है, तो नीचे की साइड सेलेक्ट करके यहाँ से आप लोगों को मिलेगा बीट्स। बीट्स के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ से देखो प्लस करके एक व्हाइट कलर का पॉइंट दे रखा है, इसके ऊपर टैप करोगे ना तो गाइस यहाँ पर से म्यूजिक के ऊपर बीट ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर से देखो गाइस, ऐड बीट पर टैप करेंगे ना, यहाँ पर से एक बीट ऐड हो जाएगा। तो इसे कहते हैं गाइस म्यूजिक का बीट। ठीक, तो आप लोगों को करना क्या है गाइस, अभी म्यूजिक के अंदर बीट ऐड करना है। कैसे, सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर से म्यूजिक को प्ले करना है एंड सुन लेना है कहाँ पर से म्यूजिक के अंदर बीट है। जैसे कि यहाँ पर से आप लोग सुन सकते हो, ध्यान से सुनो, इस जगह पर ना गाइस आप लोग सुन सकते हो यहाँ पर से बीट है। तो इस बीट के दौरान गाइस हम लोग यहाँ पर से ऐड बीट पर टैप करेंगे एंड यहाँ पर से एक पॉइंट ऐड करेंगे, मतलब कि बीट ऐड करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऐसे ही म्यूजिक को हम लोग प्ले करेंगे एंड जहाँ पर से म्यूजिक के अंदर बीट है गाइस वहाँ पर से ऐसे ही ऐड बीट पर टैप करके पॉइंट ऐड करेंगे, मतलब कि बीट ऐड करेंगे। तो देखो गाइस, ऐसे ही म्यूजिक के अंदर बीट ऐड करने के बाद यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को राइट कर देना है। बाकी यहाँ से अगर ऑटो जनरेट वोल्यूशन पर टैप करोगे ना तो यहाँ पर से ऑटोमेटिकली बीट ऐड हो जाएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कैसे बीट ऐड करना है। ठीक है, ऐसे ही म्यूजिक के अंदर बीट ऐड करने के बाद अभी थोड़ा सा ध्यान से देखो, वरना समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो गाइस, अपना जो फर्स्ट बीट है, जैसे कि यहाँ पर से आप लोगों को क्या करना है, इस बीट के दौरान ना आप लोगों को ये जो मार्जिन देख सकते हो, इस मार्जिन को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। मार्जिन को बीट के हिसाब से सही तरीके से सिलेक्ट करने के बाद इधर से भी आप लोगों को वीडियो के अंदर टैप करना है, देन यहाँ से के फ्रेम वोल्यूशन पर टैप करके वीडियो के अंदर एक के फ्रेम लगा देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। ऐसे ही एक के फ्रेम को लगा देने के बाद थोड़ा सा स्लाइड करके आगे तक और एक के फ्रेम को आप लोगों को यहाँ से लगा देना है। बाकी दोनों के फ्रेम को लगा देने के बाद पीछे वाला जो के फ्रेम है गाइस उसके हिसाब से फिर से मार्जिन को सिलेक्ट करना है एंड वीडियो को यहाँ से जूम करके अपने हिसाब से सेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर से मैं थोड़ा सा नीचे की साइड ले चलता हूँ। ओके, अभी देखो गाइस ये हो चुका है अपना पहला वाला एडिटिंग, जिसको करने के बाद गाइस हमारा वीडियो कुछ इस प्रकार से बना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही होता है गाइस एडिटिंग, जिसके माध्यम से ये वाला जो वीडियो है बनता है। अभी आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आएगा, बट देखो कैसे करना है। अभी आप लोगों को करना क्या है गाइस, सेकंड बीट के दौरान आप लोगों को चले जाना है। जहाँ पर से आप लोगों को सेकंड वाला बीट दिखेगा वहाँ पर से आप लोगों को फिर से मार्जिन को सही तरीके से सिलेक्ट करना है एंड वीडियो के अंदर टैप करके फिर से के फ्रेम एंड एक के फ्रेम को लगा देने के बाद थोड़ा सा स्लाइड करके आगे तक और एक के फ्रेम को लगा देना है। बाकी पीछे वाला जो के फ्रेम है गाइस उसके हिसाब से फिर से मार्जिन को सिलेक्ट करना है एंड वीडियो को यहाँ से दूसरे साइड स्लाइड करके ले आना है, कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पर से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही कर लेने के बाद देखो गाइस अपना जो सेकंड वाला एडिटिंग है यहाँ पर से भी हो चुका है। ठीक, जैसे कि आप लोग देख सकती हो। अभी आप लोगों को उसके बाद वाला जो बीट है गाइस वहाँ पर से चले जाना है एंड मार्जिन को सही तरीके से सिलेक्ट करना है। देन सेम तरीके से गाइस के फ्रेम लगा देने के बाद थोड़ा सा आगे तक और एक के फ्रेम लगा देना है एंड पीछे वाला जो के फ्रेम है गाइस उसके हिसाब से वीडियो को यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पर से मैं कर रहा हूँ। ठीक, इसी तरह से करने के बाद गाइस आपका
आपका जो वीडियो रहेगा यहाँ पर से बन जाएगा। तो चलते गए ऐसे ही उसके बाद वाला जो बीट है जहाँ पर से म्यूजिक के अंदर बीट है उसी दौरान हम लोग फिर से ऐसे ही एडिटिंग करेंगे एंड जल्दी से करते हैं क्योंकि उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस बाकी है। ठीक है ओके सो भाई लोग देख सकते हो बीट के दौरान ऐसे ही के फ्रेम को यूज करने के बाद अपना जो वीडियो है ना कुछ इस प्रकार से बना है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे ही आप लोगों को सबसे पहले बीट ऐड करना है एंड बीट के दौरान वीडियो को कुछ इसी तरह से के फ्रेम को यूज करके एडिटिंग कर लेना है। बाकी अभी जो करेंगे गाइस उसके लिए आप लोगों को करना क्या है वीडियो को ना यहाँ से कॉपी करना होगा। जो अपना मेन वाला वीडियो है ना उसके ऊपर टैप करना है देन नीचे के साइड सेलेक्ट करके यहाँ से डुप्लीकेट करके ऑप्शन मिलेगा उसके ऊपर टैप करके सिंपली डुप्लीकेट कर लेना मतलब कि वीडियो को कॉपी कर लेना। ऐसे ही वीडियो को कॉपी कर लेने के बाद अभी कॉपी वाला जो वीडियो है गाइस उसको यहाँ से ओवरले वॉल्यूशन पर टैप करना है एंड नीचे के साइड पुश कर देना है कुछ इस प्रकार से। बाकी यहाँ से वीडियो को कुछ इस तरह से स्लाइड करके एकदम सामने तक ले आना है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकती हो मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह से करने के बाद गाइस अभी आप लोगों को ओवरले वाला जो वीडियो है उसके ऊपर टैप करना है और उसका जो बैकग्राउंड है गाइस उसको आप लोगों को रिमूव करना है। कैसे उसके लिए नीचे के साइड सेलेक्ट करना है एंड रिमूव विजुअलाइजेशन पर टैप करके सिंपली आप लोगों को कस्टम रिमूवल वॉल्यूशन पर टैप करना है। बाकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकती हो सेम उसी तरह से आप लोगों को बाइक के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है बाइक के ऊपर ऐसे ही ड्रॉ कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ से सबसे पहले राइट करना है देन कंटिन्यू वॉल्यूशन पर टैप करना है। वीडियो का जो बैकग्राउंड रहेगा गाइस यहाँ पर से कटआउट हो जाएगा। ठीक है मतलब कि रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से देखो गाइस अपना जो बाइक है उसको यहाँ से थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेना है एंड सही जगह से कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। ठीक मैं जिस प्रकार से कर रहा हूँ उसी तरह से कर लेना है। वीडियो का जो बैकग्राउंड है गाइस उसको ऐसे ही रिमूव कर लेने के बाद अभी जो है गाइस वीडियो के अंदर जो ब्लास्ट इफेक्ट है उसको ऐड करेंगे। कैसे देखो गाइस जहां पर से अपना फर्स्ट वीड है वीडियो के अंदर जैसे कि इस जगह से आप लोग देख पा रहे हो यहां पर से अपना फर्स्ट वीड है ना। इस फर्स्ट वीड के दौरान गाइस हम लोग क्या करेंगे यहां से बैग आ जाएंगे एंड ऐड ओवरलेवलेशन पर टैप करके यहां से अपना जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है जैसे कि ये वाला वीडियो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है तो इस वाली वीडियो को अभी हम लोग यहां से करेंगे ऐड। ठीक वीडियो को ऐसे ही ऐड करने के बाद सबसे पहले वीडियो को यहां से थोड़ा सा जूम करेंगे एंड वीडियो में जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है उसको करेंगे अभी रिमूव। उसके लिए आप लोगों को फिर से नीचे के साइड सेलेक्ट करना है एंड रिमूव विजुअलाइजेशन पर टैप कर लेना है। बाकी उसके बाद क्रोमा के वॉल्यूशन पर टैप करके आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो एक सर्कल बना हुआ है इस सर्कल को आप लोगों को ग्रीन कलर के ऊपर रखना है। ठीक इसी तरह से करने के बाद इंटेंसिटी के ऊपर टैप करना है एंड इंटेंसिटी को यहाँ से 24 या फिर 26 के आसपास रख देना है एंड उसके बाद शैडो को यहाँ से फुल कर देना है दैट्स इट। वीडियो में जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड रहेगा गाइस यहाँ पर से ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है बाकी यहाँ से आप लोग क्या करना वीडियो को थोड़ा सा जूम करना एंड जहां पर से आप लोग ये जो ब्लास्ट इफेक्ट है उसको गिराना चाहते हो उधर से आप लोग सही तरीके से सेट कर लेना। आप लोग पीछे के साइड से भी रख सकते हो एंड आप लोग सामने के साइड से भी रख सकते हो तो जिधर मर्जी आप लोग सबसे पहले एडजस्ट कर लेना। बाकी ब्लास्ट इफेक्ट को थोड़ा सा स्पीड करना चाहते हो तो उसके लिए स्पीड रेगुलेशन पर टैप करके यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना बस यहाँ पर से थोड़ा सा जल्दी में ये जो ब्लास्ट इफेक्ट है ऐड हो जाएगा। ठीक है देख सकते हो। तो ऐसे ही करने के बाद गाइस आप लोग एक चीज ध्यान से देखो ये जो अपना ब्लास्ट इफेक्ट वीडियो है उसके ऊपर अभी भी ग्रीन कलर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है जैसे कि आप लोग देख सकती हो तो उसके लिए आप लोगों को एडजस्ट रेजोल्यूशन पर चले जाना है देन एडजस्ट रेजोल्यूशन पर टैप करके यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है एंड सेचुरेशन को माइनस कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को ग्रास रेजोल्यूशन पर टैप करके व्हाइट कलर को थोड़ा सा डार्क करना है कुछ इस प्रकार से पॉइंट को नीचे के साइड ले जाने के बाद एंड रेड कलर को थोड़ा सा ऊपर के साइड पुश कर देना है जिस प्रकार से मैं यहाँ पर से कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोगों को भी कर लेना है। इससे ब्लास्ट इफेक्ट वीडियो के ऊपर जो भी ग्रीन कलर का शैडो रहेगा यहाँ पर से नहीं दिखेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी एकदम सही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही करना है जिससे ग्रीन कलर जो है गाइस एकदम सही हट जाएगा। तो अभी देखो गाइस इतना कर लेने के बाद अभी जो है गाइस ब्लास्ट इफेक्ट को कहां पर से लगाना चाहती हो अगर पीछे के साइड लगाना चाहती हो तो पीछे के साइड से यहाँ पर से आप लोगों को लेयर को 1 पे सेट करना है जिससे ब्लास्ट इफेक्ट बाइक के पीछे के साइड से ऐड होगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक इसी तरह से आप लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके रखना है जहां पर से आप लोग ब्लास्ट इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो। ओके ऐसे ही करने के बाद गाइस आप लोगों को करना क्या है ये जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है ना उसको अभी आप लोगों को डुप्लीकेट करके कॉपी कर लेना है। बाकी सेम तरीके से जहां पर से म्यूजिक के ऊपर बीट है उस जगह से आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन वीडियो को कुछ इस प्रकार से सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है एंड वीडियो को यहां से रोटेशन भी कर सकते हो यहां से टैप करके सिंपली आप लोगों को कैनवास रेजोल्यूशन पर चले जाना है एंड यहां से मिरर सिलेक्ट करना है बस ये उल्टा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। बाकी यहां से आप लोग एडजस्ट कर लेना जहां पर से आप लोग ब्लास्ट इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो उधर से आप लोग सही तरीके से एडजस्ट कर लेना। ठीक है मैं यहां से थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है एंड वीडियो के अंदर अभी भी बहुत सारा काम बाकी है।
ओके तो गाइस देखो, हर एक बीट के दौरान ऐसी इफेक्ट को लगा देने के बाद अभी जो अपना वीडियो बना है ना, कुछ इस प्रकार से बना है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही करने के बाद अभी जो है गाइस आप लोगों को यहाँ से इफेक्ट ऐड करना होगा। लेकिन कहाँ पर से आप लोग ध्यान से देखो, वीडियो के अंदर अपना फर्स्ट फिट जहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है जैसे कि इस जगह पर, इस जगह से आप लोगों को क्या करना है, सिंपल इफेक्ट बुलेशन पर टैप करना है एंड वीडियो इफेक्ट बुलेशन पर टैप करके नीचे के साइड आप लोगों को सेक इफेक्ट करके एक इफेक्ट मिलेगा, उसको आप लोगों को वीडियोज के अंदर अप्लाई कर देना है। ठीक, बाकी ये जो अपना सेक इफेक्ट वाला लेयर है गाइस आप लोग देख पा रहे हो कितना ज्यादा लंबा है, तो इसको आप लोगों को छोटा करना है, कुछ इस प्रकार से स्लाइड करना है एंड छोटा कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, ऐसे आप लोगों को बराबर थोड़ा बहुत छोटा करके रखना है जिससे सेक इफेक्ट जो है गाइस एकदम बीट के बराबर सेक करेगा। ओके, ऐसे ही करने के बाद गाइस नीचे के साइड आप लोग देख पा रहे हो लिखा है ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर टैप करके यहाँ से आप लोगों को ऑल वीडियो पे सेट कर लेना है जिससे पूरा वीडियो सेक करेगा। ओके, बाकी यहाँ से आप लोग ध्यान से देखो गाइस, यहाँ से एडजस्ट रेजोल्यूशन पर टैप करके आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट वगैरह कर लेना, नहीं तो पूरा वीडियो ज्यादा सेक करेगा। बस आप लोगों को थोड़ा बहुत सेक इफेक्ट को ही यूज करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सेक इफेक्ट को सही तरीके से एडजस्ट करने के बाद अभी सेक इफेक्ट को यहाँ से कॉपी करना है, मतलब कि डुप्लीकेट करके उसके बाद वाला जो बीट है गाइस उस जगह से आप लोगों को सही तरीके से सेट कर लेना है जिससे इस वाले बीट पर भी हमारा वीडियो जो है सेक करेगा और वीडियो देखने में अच्छा लगेगा। ऐसे ही हर एक बीट के दौरान गाइस आप लोगों को सेक इफेक्ट को जो है गाइस यूज करते ही जाना है, इससे वीडियो अच्छा लगेगा। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। सेक इफेक्ट को यूज करने के बाद गाइस अभी जो है यहाँ पर से और एक काम बाकी है, उसके लिए देखो गाइस वीडियो के अंदर अगर आप लोग वाइब्रेशन प्लस इफेक्ट लगाना चाहती हो तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, सिंपली वीडियो इफेक्ट नाइट क्लब ब्लेशन पर चले जाने के बाद यहाँ से बस आप लोगों को वाइब्रेशन प्लस करके जो इफेक्ट है उसको वीडियो के अंदर लगा देना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ऐसे ही करने के बाद लेयर को कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेना है, देन एडजस्ट ब्लेशन पर टैप करके यहाँ से वाइब्रेशन प्लस करके जो इफेक्ट है उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट वगैरह कर लेना है। ओके, बाकी वाइब्रेशन प्लस करके जो इफेक्ट है उसको हर एक बीट के दौरान कुछ इस प्रकार से सेट कर देंगे, दैट्स इट, हमारा जो वीडियो रहेगा गाइस यहाँ पर से बन जाएगा। ओके, सो गाइस हमारा जो वीडियो है यहाँ पर से बन चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो वीडियो कैसा बना है। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो गाइस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।